ये मसला कि मीरास कैसे तकसीम हो, किसको मिलना चाहिए, ये अपने आप में कितनी अहमियत रखता है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने हो जाए। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये वो मसला है जिसका ताल्लुक हर शख्स से है। कोई भी फर्द ऐसा नहीं है, कोई आदमी ये नहीं बोल सकता कि इस मसले को हमें जानने की क्या जरूरत है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है। कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। देखिए, हज के बारे में आप कह सकते हैं कि पता नहीं हमें हज की तौफीक होगी कि नहीं, उसके मसाइल हम अभी से कैसे सीखें, और जब हज का मौका आएगा भी तो भी एक काफिला होता है, उलमा की एक टीम होती है, उनकी रहनुमाई में आप हज कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि हज के मसाइल आपको नहीं पता चला, उसका हर एक शख्स से वास्ता नहीं होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, रोजा है, कोई कमजोर है उसको नहीं रखना पड़ता है, नमाज भी जब बच्चा 7 साल का हो जाए तब उसको मस्जिद की तरफ लाओ, 10 साल का हो जाए तब उसको मारो, है ना, उसका भी मरहला बाद में आता है। लेकिन ये जो मसला है मीरास का, इसका ताल्लुक हर शख्स से है, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, आदमी बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हद है कि मां की पेट में हो, वो भी इस मसले से जुड़ा हुआ है, जो मां के पेट में अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसका भी हिस्सा होता है। सोचिए कि ये मसला किन किन लोगों से जुड़ा है, कितना छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, हत्ता कि वो शख्स जो ना मर्द हो ना औरत, वो भी इस मसले से जुड़ा हुआ है, जो बीच का होता है, मुखन्नस जिसको कहते हैं, मुखन्नस हिजड़ा, उसको भी मीरास मिलती है, उसका एक अलग सिस्टम है, लेकिन है वो भी इस मसले से जुड़ा हुआ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता, किसी भी तरह का कोई शख्स हो ये नहीं कह सकता कि इस मसले से हमारा क्या ताल्लुक है। हर आदमी इस मसले से जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी सूरत हाल क्या है कि कोई इस मसले के बारे में जानना नहीं चाहता है। हर आदमी इस मसले से जुड़ा हुआ और कोई इस मसले के बारे में जानकारी हासिल करना नहीं चाहता है। तो इस इल्म की, इस मसले की सबसे, इस मसले की अहमियत में सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि इसका ताल्लुक हर फर्द से है, हर शख्स से है। दूसरी बात, इस मसले की अहमियत पर दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मसले को कुरान में बड़ी तफसील के साथ बयान किया है। अहकाम में जो अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किए हैं, नमाज, रोज़ा वगैरह, उनमें सबसे ज्यादा तफसील अल्लाह ताला ने कुरान में जिस पर बयान की है वो ये मीरास का मसला है। नमाज देखिए कितना अहम रुकन है इस्लाम का। कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम इबादत कौन सी होती है? नमाज होती है। 5 वक्त पढ़ना होता है, इसके बावजूद भी पूरे कुरान में आपको यही मिलेगा, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, उससे मुतलिक और दीगर तफसीलात, ये सब आपको कुरान में नहीं मिलेगा। ये सब कहां तफसीलात मिलेंगी? अहादीस में। लेकिन मीरास के मसले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बजाते खुद कुरान में सारी तफसीलात दे दी है। बहुत चंद चंद मसले हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वरना बेशतर तफसीलात अल्लाह ताला ने खुद कुरान में बयान फरमा दी। इसमें कुछ तो बात है, ये कोई मामूली बात है कि अल्लाह ताला कुरान में इस मसले को बड़ी तफसील के साथ बयान कर रहा है? इसे अंदाजा करें कि अल्लाह ने कितना सीरियस लिया इस मसले को, कितनी अहमियत दिया इस मसले को, लेकिन हम कितने गाफिल हैं। ये दूसरी बात रखें जहन में, इस मसले की अहमियत के ताल्लुक से, इस इल्म की अहमियत के ताल्लुक से। एक तीसरी चीज देखें, इस इल्म की अहमियत क्या है कि अल्लाह ताला ने इस इल्म को, इस मसले को कुरान की जिस सूरे में बयान किया वो सूरे निसा। कौन सी सूरे? सूरे निसा। निसा माने क्या होता है? औरत, खवातीन। तो असल में उस जमाने में औरतों पर जो जुल्म होते थे उनमें से एक किस्म ये भी थी कि उनको हिस्सा नहीं मिलता था, तो इसलिए अल्लाह ने जमाने जाहिलियत के निजाम को गलत साबित करने के लिए
इस मसले को, मीरास की तफसीलात को जिस सूरे में बयान किया वो सूरे निसा है, यानी औरतों के नाम पे जो सूरे है, ताकि आदमी का जब जहन आए, जहन में औरत का नाम आए तो ये भी जहन में आए कि उसको हिस्सा देना है, उसका हक है। तो देखिए सूरे निसा में अल्लाह ताला ने इसकी तफसीलात बयान की, और यहीं से एक इशारा और भी मिलता है कि बतौर खास खवातीन को, औरतों को भी ये मसला जानना चाहिए। अब ये कितनी अजीब बात होगी कि अल्लाह विरासत की तफसीलात सूरे निसा में बयान करे और औरतों को कुछ पता ना हो, मीरास के बारे में उनको कुछ पता ना हो, ये मुनासिब बात है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरे निसा में इसकी तफसीलात बयान की है, इससे भी इस मसले की और इस इल्म की अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं।